हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, शायद आपने वर्ड अभी तक सुना नहीं होगा, बट इट्स द फ्यूचर फॉर इंडिया। सो व्हाट आर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड क्यों ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फ्यूचर में इंडिया में काफी सुनने को मिलने वाला है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि करंटली ईवी व्हीकल्स का कंपटीशन नहीं बल्कि ये करंट टेक्नोलॉजी के साथ मिल के वर्क करेगा। बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यूजुअली हाइड्रोजन व्हीकल्स में एक टैंक होता है हाइड्रोजन जिसमें स्टोर होता है एंड ऑक्सीजन को एयर से ले लिया जाता है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी जब तक जनरेट करता है जब तक हाइड्रोजन रहता है। यूजुअली इस केमिकल प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड वाटर ही जनरेट होता है एंड इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को जीरो एमिशंस बोला जाता है एंड नॉट जस्ट ईवीज बट जनरल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज करा जा सकता है एंड ये टेक्नोलॉजी इंडिया में 2024 तक यानी अगले साल तक ट्रेन में लॉन्च करने वाले हैं ऑन हेरिटेज रूट जिसपे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है एंड देर आर मोर हाइड्रोजन पावर्ड प्रोजेक्ट जो कि इंडिया में शुरू होने वाले हैं। बट फायदा क्या है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को यूज करने का? ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो एक्सपेंसिव होगी एंड करंट सिस्टम तो ठीक ही है, इट्स वर्किंग। एक्चुअली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के यूज करने का फायदा काफी ज्यादा है देन इट्स कॉस्ट, स्पेशली इन लॉन्ग रन। लाइक करंटली ईवीज डायरेक्टली तो पोल्यूशन नहीं करती है बट इन्हें फुल्ली ग्रीन बोलना भी सही नहीं होगा क्योंकि इंडिया में अभी तक मेजोरिटी इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होता है एंड ईवीज के आने की वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इंक्रीज हो गया है एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट होती है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू एयर पोल्यूशन। बट हाइड्रोजन फ्यूल कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 100% ग्रीन क्योंकि हाइड्रोजन कार में टैंक में स्टोर होगा विच विल क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कार इन द कार ओनली एंड विल ओनली एग्जिट वाटर एंड नॉट जस्ट कार बट नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी ये 100% ग्रीन हो जाएगा। ऑल्सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स रिफ्यूलिंग टाइम को काफी फास्ट कर देगा। करंटली नॉर्मल चार्जिंग टाइम एक कार के लिए 1-2 घंटा है फॉर अ नॉर्मल चार्जर एंड इवन सुपर चार्जर में मिनिमम 30 मिनट्स तक ले ही लेता है जो कि काफी कम हो गया है बट फिर भी काफी ज्यादा है स्पेशली अगर आप एक रोड ट्रिप पे हो तो एंड होम चार्जर तो 6-8 घंटे ले लेता है। वही हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग काफी फास्ट होगा, जितना टाइम डीजल एंड पेट्रोल में डालने में लगता है उतना ही टाइम लगेगा जिसकी वजह से ईवी का करंटली काफी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक एस्टिमेट ये कहता है कि अगर हम कोल एंड नेचुरल गैस का कोई दूसरा सोर्स नहीं मिला तो ये सिर्फ 2060 तक चलेगा एंड वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स काफी अच्छा अल्टरनेट होगा फॉर द फॉसिल फ्यूल, ये ग्रीन है एंड जीरो एमिशन इमिट करता है एंड हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम रिन्यूएबल रिसोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक सोलर विंड एंड एक्सेट्रा। But it's not as easy as it seems, क्योंकि there are some problems with hydrogen fuel cells, like infrastructure, ये new technology है जिसकी वजह से hydrogen refueling stations नहीं है and इन्हें refueling station बनाने में काफी cost भी आएगा and काफी time भी लगेगा and also infrastructure में hydrogen production का भी तो infrastructure बनाना होगा जो कि hydrogen produce करेगा, also it will be very expensive. ऑल्सो हाइड्रोजन प्रोडक्शन में अभी ग्रीन नहीं है। यूजुअली हाइड्रोजन को स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें एनर्जी इनपुट लगता है एंड ये एनर्जी इनपुट करंटली फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करता है एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि हाइड्रोजन काफी डिफरेंट है देन पेट्रोल एंड डीजल जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन स्टोरेज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड इसे स्पेशल स्टोरेज सिस्टम लगता है चाहे वो लिक्विफाई हाइड्रोजन हो या कंप्रेस हाइड्रोजन हो एंड सेम रीजन की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड कॉस्ट भी काफी इंक्रीज हो जाती है टू द ओवरऑल हाइड्रोजन सप्लाई चेन। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है एंड लिथियम आयन पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में काफी महंगा हो जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में हाई कॉस्ट मटेरियल्स लाइक प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज होता है विच एड्स टू द कॉस्ट एंड ऑल्सो कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज करते हैं एंड कैटलिस्ट यूज करते हैं विच विद टाइम डिग्रेड हो जाते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल का लाइफ स्पैन काफी कम हो जाता है विद द टाइम। इवन आफ्टर दिस प्रॉब्लम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स काफी जगह पे काफी अच्छे हैं। इन्हें इतनी जल्दी नॉर्मल कार्स में तो नहीं आएंगे बट देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पर इंडिया में हम इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे। Like I already said about hydrogen power trains on heritage routes, जो कि सोनीपत हरियाणा में आने वाला है and also there's a plan of government that to run hydrogen powered bus in Pune. Even government 2027 तक सारे डीजल पावर्ड व्हीकल को बैन करने की सोच रही है एंड डीजल का काफी अच्छा अल्टरनेटिव हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होगा। लाइक देयर आर कंपनी जो कि ऑलरेडी हाइड्रोजन पावर्ड सेमी ट्रक्स बना चुके हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस हाइड्रोजन एटलीस्ट ऑन बिग व्हीकल्स लाइक बस ट्रेन एंड ट्रक्स। इंडिया में 2024 तक हाइड्रोजन पावर ट्रेन आने वाली है। टू नो मोर अबाउट दिस वॉच माय दिस वीडियो।